हेलो दोस्तों, इबास पिटारा में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सबको अच्छे ही होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने बनाया हुआ है वुडन ब्लॉक्स यूज़ करके सुंदर कुशन कवर विथ मैचिंग सोफा थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जैसे मैंने पकड़ा हुआ है और ये मेरे बैक साइड में ये सब मैंने बनाया हुआ है। देखने में ये लग रहा है ना कितना सुंदर और कितना यूनिक भी है, क्योंकि ये हैंडमेड होममेड है। तो आप अपने लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ बोल दूं कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और इस तरह के ईजी इंटरेस्टिंग DIY वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। ये कुशन कवर बनाने के लिए मैंने ये वुडन ब्लॉक्स लिए हुए हैं। इस तरीके का बहुत सारे डिज़ाइंस में ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। मैंने ये डिज़ाइन सारे अमेज़ॉन से परचेज किए हुए हैं। तो ये जब हम यूज़ करते हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग अगर इसे अप्लाई करेंगे तो जो कलर है उसे ये वुडन वुड जो है वो सोक कर लेता है। इसीलिए हम यूज़ करने से पहले इसे ओवरनाइट ऑयल में सोक करके रखेंगे। तो यहाँ मैंने ये निहार हेयर ऑयल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग सारे ब्लॉक्स को सोक करके ओवरनाइट छोड़ देंगे। तो देखिए, ये हमारा 24 आवर्स के बाद ये कितनी अच्छी तरह से ऑयल को सोक कर लिया है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे कोई भी कॉटन फैब्रिक या इस तरह का पुराने टी शर्ट में हम लोग रख देंगे, और सो दैट की जो एक्सेस ऑयल है उसे ये फैब्रिक सोक कर ले, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमें ऑयल से ख़राब हो जाएगा। तो कुशन बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और स्टार्च रिमूव कर लिया है। तो हम लोग जो कुशन बनाएंगे वो हमारा रहेगा 15x15 इंचेस का कुशन। तो इसके लिए हम लोग जो मेजरमेंट रखेंगे या फैब्रिक का कटिंग करेंगे वो रहेगा हमारा 16x36 इंचेस। देखिए, मैंने ये फैब्रिक का कटिंग कर लिया है। तो अभी हम लोग बोथ एंड से इस तरह से हम लोग फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारा स्टिचिंग हो गया है। तभी एंड से हम लोग मेजर करेंगे 8 इंचेस पे और मार्क कर लेंगे। सिमिलरली दूसरे साइड में भी हम लोग 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो हमारे कुशन का जो हमारा मेजरमेंट है वो है 15 इंचेस। तो हम लोग इस मार्क एरिया से मार्क मेजर करके मार्क करेंगे 15 इंचेस पे। सिमिलरली इधर भी हम लोग मार्क करेंगे 15 इंचेस पे। तो ये जो है हमारा फैब्रिक का रॉन्ग साइड है, तभी हम लोग इसको पलट के सीधा कर लेंगे। और हमने जो मार्क किया हुआ है वहां से इस तरह से हम लोग इसे फोल्ड करेंगे इधर से भी, इसे पिन करके सिक्योर कर लेंगे और बोथ साइड से स्टिच कर लेंगे। देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। तो चलिए हम लोग पलट के देखते हैं हमारा कुशन कवर कैसा बना है। देखिए, हमारा कुशन कितनी अच्छी तरह से कवर बन गया है। तो चलिए अभी पेंटिंग शुरू करते हैं। पेंटिंग के लिए मैंने लिया हुआ है ये फैब्रिक्रिल का फैब्रिक कलर। मैंने ये वुडन ब्लॉक यूज़ करने वाली हूँ, और इसे कलर करने के लिए मैंने लिया हुआ है ये स्पंज। तो इस तरह से हम लोग डैप करते हुए कलर को लगाएंगे। इस तरह से करने से अच्छे फिनिशिंग के साथ कलर निकलता है, या फ्रेम जो हमारा प्रिंट है वो निकलेगा। बस इसी तरह से हमें एक एंड से या जिस तरह का भी हमें डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से हमें बस इसे प्रिंट करते हुए जाना है। ये बनाना काफ़ी आसान है और काफ़ी मज़ेदार है, और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो आप बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस के बना सकते हैं। देखिए, ये हमारा कितना आसानी से कुशन कवर बनकर तैयार हो गया। तो चलते हैं हम लोग दूसरे डिजाइन की तरफ।
इस तरीके का वुडन ब्लॉक्स यूज़ करके हम लोग बेडशीट्स, दुपट्टा, साड़ीज़ वगैरह भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस के डिज़ाइंस भी किए जा सकते हैं। ये भी देखिए हमने कितना खूबसूरत सा ये कवर भी रेडी हो गया। तो चलिए चलते हैं थर्ड डिज़ाइन की तरफ। ये स्टाम्पिंग करना काफी मजेदार है। तो ये भी हमारा रेडी हो गया। तो इस तरह से हमारे सारा डिजाइन रेडी हो गया है। तो देखिए ये सारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। इसे हम लोग एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए ड्राई होने छोड़ देंगे। तो इसे ड्राई होने के बाद हम लोग इसके बैक साइड से इसे प्रेस कर लेंगे। तो मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए इस तरीके का पॉम्पॉम लिया हुआ है। ये भी मैंने Amazon से परचेज किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग मैचिंग ये सोफा थ्रू बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उसी से मैंने ये बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सोफा का जो लेंथ है वो मेजर कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लोग इसके साइड्स को स्टिच कर लेंगे। ये हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी हम लोग डेकोरेट कर लेंगे इस तरीके का पॉम पॉम से। तो सारा रेडी होने के बाद चलिए मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अपने लिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।